चैनल के ऑल व्यूअर्स को आज मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। तो आज मैं सपना खत्री फिटनेस कोच कुछ अपनी हेल्दी रेसिपीज शेयर करना चाहती हूं जो आप अपने आने वाले गेस्ट के साथ जल्दी से जल्दी बना के उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें अटेंड कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम के लिए हेल्दी रेसिपीज हमारी होने ही ज़रूरी हैं। आज हमारे बच्चों को जंक फूड और ये सब जैसे हैबिट्स आज बैड हैबिट्स हो चुकी हैं, तो उसके साथ ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इजी और हेल्दी स्नैक्स रेडी किए हैं जो कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ उनकी रेसिपीज़। तो फर्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ, ग्रिल वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलड नहीं कहूँगी, एक स्नैक है जिसके अंदर मैंने ब्रोकली मशरूम एंड पाइनएप्पल ऐड ऑन किया है। वैसे इसके अंदर हम पनीर भी ग्रिल कर सकते हैं और इसका मैंने हाफ एन आवर पहले मैरिनेशन किया है। कर्ड रोस्टेड बेसन और जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद हम इसमें फिर कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं जो कि हम अपने टेस्ट और या फिर बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे। तो ये मैंने हाफ एन आवर पहले मैरिनेशन किया है इसका और अब हम इसे अपने एयर फ्रायर में ग्रिल करेंगे। और एयर फ्रायर के अंदर मैं एक फॉइल शीट रख रही हूँ जिसके अंदर वो इसके जो भी मैरिनेशन है वो नीचे नहीं जाएगा, इसी फॉइल के ऊपर ही रहेगा। तो जैसे जैसे बच्चों का टेस्ट है, फ्लेवर है, उसके हिसाब से आप वेजिटेबल निकाल के उन्हें रेडी कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्रोकली कुछ पीसेस ब्रोकली के, कुछ मशरूम एंड हमारा पाइनएप्पल है जो कि मेरे बच्चों को रेगुलर बेसिस पे ये पसंद आता है, तो इसीलिए मैंने उन्हीं चीज़ों का मैरिनेशन किया था। तो अभी हमने यहाँ पे ये रख दिया है, उसके बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए लगाते हैं एंड टाइम ग्रिलर का मैंने 190 लिया है एंड स्टार्ट कर रहे हैं 180 डिग्री। 10 मिनट के बाद इसको हम निकाल रहे हैं जो कि ग्रिल हो चुका है। अभी हम विद इसको फॉइल के साथ ही निकाल लेते हैं ताकि ईजीली हम इसे सर्व कर सकें। एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए आपका एयर फ्रायर भी कहीं मेस्ड अप नहीं हुआ है, और या तो आप इसे ऐसे इसमें कन्वर्ट कर लीजिए अपने सर्विंग ट्रे में। ये रेडी है हमारा ग्रिल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल स्नैक। अब हमारी दूसरी जो सेकंड स्नैक्स मैं बना रही हूँ वो है सोया चंक विद द बटर गार्लिक, ग्रीन गार्लिक। तो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने सोयाबीन को कुछ बॉईल करके रखा हुआ है और साथ में हम यूज़ करेंगे बटर, अमूल बटर, और ग्रीन गार्लिक मैंने कट करके रखा हुआ है जो कि विंटर्स में हमारे पास फ्रेश मिल ही जाते हैं हमें, और कुछ एक घर के मसाले मैं यूज़ करूँगी इसमें। सबसे पहले हम इसमें बटर ऐड करते हैं, वो आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये गार्लिक हम अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं क्योंकि विंटर सीजन है और इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है सोयाबीन के साथ, तो इसलिए हम अच्छे से इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हल्का सा सौते हो जाएगा जैसे ही, तब हम इसमें फिर सोया चंक्स ऐड करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा हो गया, बाकी इसको जब हम ऐड करेंगे तब ये कुछ और सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए पहले आप इसे एक बार स्टर कर लीजिए बिकॉज बटर और इसमें गार्लिक अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए सोया चंक्स में, उसके बाद हम इसमें फिर कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि हम अपने टेस्ट और या फिर बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। और हमें इसमें सॉल्ट थोड़ा सा ध्यान से डालना है क्योंकि अमूल बटर के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो थोड़ा सा इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी देखकर डालेंगे आप। ये मेरा कुछ मसाला मैंने अपना बनाया हुआ है जो कि कसूरी मेथी, थोड़ी सी इसमें और हल्दी, नमक, मिर्च मैंने ऐड करके रखा हुआ है जिसके साथ इसके फ्लेवर काफ़ी इन्हांस हो जाते हैं।
अगर आप इसमें रेड चिली ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। वो बच्चे अच्छे से मतलब खा लेते हैं और ना ही उनको हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट आता, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो आप ग्रीन चिली ऐड कर लीजिए, बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी आती है ये। अब आप इसकी आंच थोड़ी सी सिम कर लीजिए और इसे एक बार कवर कर दीजिए। अब हम इसके लिड हटाएंगे और एक बार इसे स्टर कर लीजिए सो दैट इसके अंदर पूरा गार्लिक का अरोमा जो है अच्छे से आ गया है, फ्लेवर इसके अंदर पूरे मसालों के भी और बटर का और गार्लिक का अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। इसीलिए हम इसको 2-3 सेकंड के लिए ही लिड कवर करते हैं ताकि फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। अब ये रेडी है आपके सर्व करने के लिए। आज की हमारी तीसरा स्नैक जो है, हेल्दी स्नैक कहूँगी मैं इसे फिर से, वो है हमारा वेजिटेबल कलरफुल सैलड। क्योंकि मैं बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही ये सब चीज़ें मेंटेन करती हूँ उनकी। इसमें मैंने ऐड किया है बॉयल्ड आलू है हमारे पास, पोटैटोस, थोड़े से मैंने ब्लांच किए हैं यहाँ पे, मटर, मशरूम रॉ ही हैं, पनीर है एंड हमारे पास बेबी कॉर्न है जो मैंने हल्के से ब्लांच कर रखे हैं। तो इनको थोड़ा सा मैंने शेलो फ्राई किया है बच्चों का टेस्ट थोड़ा सा माइंड में रखते हो। तो आप 2-3 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम मशरूम ऐड करके उसे स्टर कर लेते हैं लाइक हल्का सा वो कुक हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बाकी चीज़ें लिटिल बिट कुक्ड हैं। क्योंकि इसका जो क्रिस्प है वो हमारे जब टेस्ट में आता है माउथ में तो वो अच्छा लगता है, हल्का सा क्रंची जो पाएगा। तो ये लिटिल बिट ही हम करेंगे इसे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं बेबी कॉर्न, उसे भी एक बार आप स्टर कर लीजिए। एंड फिर हम इसमें करेंगे पोटैटोस। आप ये देखिए, बच्चों को आलू वैसे तो बहुत पसंद होते हैं, अगर हम खाली आलू देंगे तो वो खा तो लेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होता है कि बच्चों को किसी ना किसी तरह से वेजिटेबल्स भी उनके डेली रूटीन के अंदर डाइट में ऐड होनी चाहिए। तो अगर उनको पोटैटो दिया जा रहा है तो साथ साथ में वो कुछ एक वेजिटेबल भी ऐड यहाँ करके खा सकते हैं। अब ये देखिए कितना कलरफुल होता जा रहा है, और ऑयल मैंने आपके सामने कितना ही 2 ही स्पून अप्रॉक्स ऐड किया है जो कि बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। कच्चा पनीर ही ऐड करूँगी थोड़ा सा, जो कि छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट किया है। इसे थोड़ा सा स्टर करें, उसके बाद मैं फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। तो मैं फर्स्ट, बच्चों की चॉइस चटपटा चाट मसाला रहता है तो मैं इसमें सबसे पहले वो ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा बच्चों के अकॉर्डिंग चाट मसाला ऐड किया मैंने। दूसरा, हेल्थ में ध्यान में रखते हुए बच्चों की, मैं फिर से इसमें रेड चिली ना यूज़ करते हुए ब्लैक पेपर ही यूज़ कर रही हूँ ताकि हेल्थ के अकॉर्डिंग उनको अच्छा रहे। लिटिल बिट सॉल्ट जाएगा क्योंकि हमने इसमें बटर नहीं ऐड किया हुआ, हमने इसे ऑलिव में बनाया है, तो मैं हल्का इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। रेड चिली वही आपके एज पर टेस्ट। हाँ, एक चीज़ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, फ्रेश लेमन। अगर आपको चाट मसाला कम यूज़ करके थोड़ा सा लेमन ऐड करना है तो आप कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। अप्रॉक्स हाफ मैं लेमन इसमें ऐड कर रही हूँ जो थोड़ा सा अपना फ्लेवर ऐड कर देगा।
हमारी थर्ड डिश स्नैक्स रेडी हो चुकी है, अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये देखिए तीन स्नैक्स मैंने रेडी किए हैं, और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आप इस डिशेस को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। मैं फिटनेस कोच सपना खत्री और आपके कमेंट्स की वेट करूंगी। मेरा नंबर जो है वो मैं इसी खिचड़ी द फूड चैनल के साथ शेयर करते हुए आपको भी शेयर कर रही हूँ। 9717111919 मेरा नंबर है, आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरे इंस्टा पे भी लॉगिन कर सकते हैं, खत्री सपना के नाम से मैं वहाँ इंस्टा पे हूँ, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है। और मैं इसी तरह की हेल्दी डाइट अपनी फैमिली को और अपने किड्स को भी इंजॉय करवाती हूँ। प्लीज़ आप भी शेयर कीजिए अपनी फैमिली और बच्चों के साथ, इंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। खिचड़ी द फूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पूरा उसे मोटिवेट कीजिए। मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।